साबूदाना की खीर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने फुल क्रीम दूध लिया है आधा लीटर। आप कोई भी दूध यूज़ कर सकते हैं लेकिन फुल क्रीम दूध से खीर अच्छी बनती है। साबूदाना लिया है मैंने 50 ग्राम और इसको 4 से 5 बार पहले साफ पानी से धोएं, उसके बाद में 1 घंटे इसको सोक करना है पानी में, और ज़्यादा पानी इसमें डालना नहीं है, सिर्फ आधा इंच इस पे ऊपर रहे पानी, इतना पानी इसमें यूज़ करना है। 1 घंटे के लिए सोक करें। 50 ग्राम चीनी, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बादाम पाउडर मैंने लिया है 50 ग्राम, आप इसकी जगह पे कोई भी पाउडर ले सकते हैं या फिर चॉप ड्राई फ्रूट ले सकते हैं बारीक बारीक काट के। इलायची पाउडर है चुटकी भर। सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और दूध को गर्म करना है, तो सबसे पहले दूध को उबाल लेते हैं और अब इसमें डालेंगे साबूदाना। तो सोक किया हुआ साबूदाना इसके अंदर, और ये मैंने छोटा साबूदाना लिया है। अगर बड़ा साबूदाना आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसको 3 से 4 घंटे के लिए सोक करें। खीर के लिए छोटा साबूदाना अच्छा रहता है, तो मैंने छोटा साबूदाना यहाँ पर यूज़ किया है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और एकदम कम आँच के ऊपर इसको पकाएंगे। लगभग 10 से 12 मिनट लग जाएंगे कम आँच के ऊपर, जब तक कि हमारा साबूदाना एकदम ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तब तक इसको हमें पकाना है। एक बार अच्छे से मिक्स करें, उसके बाद में इस तरीके से साबूदाना देखिए, देखने से पता चल रहा है ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। और अगर आप इनको तोड़ के देखेंगे तो एकदम मैच हो जानी चाहिए। ये देखिए एकदम अच्छे से मैच हो रहे हैं, तो खीर हमारी पक चुकी है। और अब हम डालेंगे इसके अंदर चीनी, तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स करें, साथ में डालेंगे बादाम का पाउडर और इलायची पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे मैंने बिना ढके खीर को पकाया है। आप चाहें तो ढक्कन लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कहीं दूध हमारा निकल ना जाए। और लगभग 5 मिनट तक अब इसको ढक के हम थोड़ा सा ढक्कन हटाए रखें ताकि दूध निकले नहीं इस तरीके से, और चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए तब तक 5 मिनट लगेंगे और पकाते हैं। और निकाल लेंगे खीर को, एक बार अच्छे से मिक्स करें और निकाल लें। लीजिए तैयार हो गई हमारी साबूदाना की खीर। आप चाहें तो ऊपर से बारीक कटे हुए नट्स इसके ऊपर डाल सकते हैं। एंजॉय करें साबूदाना खीर।